जहां एक ओर पाकिस्तान में आर्थिक और सियासी मोर्चे पर भारी उथल पुथल मची है और यहां तक कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तानी आर्मी को जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा। खुद ही देश में पाक आर्मी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो दूसरी ओर पाकिस्तान जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन। जी हाँ, चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना को दो नए फ्रिगेट सौंपे हैं, पीएनएस टीपू सुल्तान और पीएनएस शाहजहां। ये दो टाइप 054A/P के युद्धपोत हैं, जिन्हें पाक नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। खबर है कि पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल एम अमजद खान नियाजी ने खुद शंघाई में इन फ्रिगेट्स की डिलीवरी ली है। अब पाकिस्तानी नौसेना के पास इस क्लास की कुल 4 फ्रिगेट्स हो गई हैं। बता दें कि जून 2018 में पाकिस्तानी सरकार ने चीन की शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ 2 फ्रिगेट्स की डील साइन की थी, जिसके बाद आज इन दोनों फ्रिगेट्स को पाक नौसेना में शामिल कर लिया गया है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के पास टाइप 054A/P के पीएनएस तुगरिल और पीएनएस तैमूर भी हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर इन युद्धपोतों में ऐसा क्या खास है। टाइप 054A/P चीनी मूल के नवीनतम मल्टी रोल फ्रिगेट्स में से एक हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। इन फ्रिगेट्स पर CM-302 सतह से सतह पर मार करने वाली और LY-80 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई गई हैं। ये उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। युद्धपोतों के अलावा चीन पाकिस्तान गठजोड़ से भारत को रेड साइन मिल गया है। चीन ने पाक के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर के नाम को ब्लैकलिस्ट में डालने के भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपत्ति जताई है। अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भाई है। इसके अलावा चीन अरसे से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता आया है। साल 2016 में चीन ने टाइप 041 डीजल पनडुब्बियों को लेकर पाक के साथ $5 अरब का समझौता भी किया था। तो ऐसे में भारत के लिए संभलने का टाइम आ गया है और पाकिस्तान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखनी होगी।